देखिए, पहले आप सब लोगों का स्वागत हो FWIC की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BN तिवारी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं FWIC की। मैं अशोक पंडित, मैं डायरेक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, और संजय पूरन सिंह चौहान नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और अशोक दुबे जी FWIC के सेक्रेटरी हैं। चूँकि संजय जी को निकलना है, इनकी शूट है, पहले संजय जी बोलेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल है कि जो ऑस्कर नॉमिनेशंस होते हैं हिंदुस्तान से, FFI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, साल दर साल वो गलतियों पे गलतियां कर जा रहे हैं और ऐसी फिल्में भेजते हैं। हमें फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है, प्रोड्यूसर से कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी के क्रिएटिव टैलेंट को क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जो सिस्टम है, जो तरीका है, जिस तरीके से ये फिल्में भेजा जाती हैं, इसलिए फिल्में हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं। इसलिए हमने एक विस्तार में कुछ पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, जिससे हम पूरी जो सिस्टम है, जिस तरीके से, जिसकी वजह से हमारी फिल्मों का ये असर होता है, वो उसको हम आपके सामने रखने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि संजय जी आप प्लीज़ बोलिए, ताकि फिर बिल टेक इट ओवर। नमस्कार। देखिए, आप कहने की सिर्फ इतनी ही बात है कि हम एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड्स होते हैं, एकेडमी अवार्ड्स, जिसके लिए हर साल फिल्म भेजी जाती है। आई थिंक 1957 से इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के अंदर हर साल हर एक कंट्री से एक फिल्म भेजी जाती है। हम इतनी बड़ी तादाद में फिल्में बनाते हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि रीजनल भाषाओं से भी। और अब पिछले कुछ सालों से जो क्वालिटी है रीजनल सिनेमा की, जिसमें मैं साउथ की नहीं भी बात करूँ, तो बेहद बढ़ गई है। मगर अगर हम 60-65 साल की हिस्ट्री में देखें तो समवेयर अब देखते हैं तो 3 फिल्मों के नॉमिनेशन जो हैं वो आपको मिलते हैं। 3 फिल्में सिर्फ नॉमिनेट हुई हैं इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर, जबकि हम इतनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड। सो समवेयर कहीं पर इसको वापस से देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को, कि ऐसा कैसे है कि जिस मुल्क में इतनी फिल्म्स बनती हैं और सभी तरीके की कमर्शियल्स, मेन स्ट्रीम, आर्ट हाउस, मैसेज देने वाली, उसके बावजूद हम वहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान जैसे मुल्कों से फिल्म जो हैं वो बाज़ दफ़ा ऑस्कर लेके चली जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ज़्यादातर भागीदारी हो और लोगों की, क्योंकि सरकार भी प्रमोट करती है, मैं सही आंकड़े नहीं जानता, मगर कहते हैं कि वो भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो इस पूरे सिलसिले को, चयन की प्रक्रिया वगैरह को थोड़ा सा वाइडर तरीके से देखने की ज़रूरत है, ताकि ये अल्टीमेटली फिल्म जब बाहर जाती है तो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो भारत की ऑफिशियल एंट्री होती है। तो इस तरीके से कि हमको कि ज़्यादा इंटरनेशनल उसमें, और इस तरीके के फिल्म मेकर्स हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के अंदर, हम बर्लिन, टोरंटो में हमारी फिल्में जा रही हैं, हमारे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में जा रही हैं, तो यहाँ भी शायद उसको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा फिल्में जो हैं वो चयन हो और न सिर्फ नॉमिनेट हो बल्कि ऑस्कर भी जीत सकें। हम अक्सर कहा जाता है कुछ एक फिल्में जैसे लंच बॉक्स है, या इस बार RRR या कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स जो हैं वो लोग बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं इनके कि फिल्मों के बहुत चांसेस थे। तो समवेयर हमें सेंसिबिलिटीज़ और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके की चीज़ें बाहर हैं, तो ज़्यादा ओपन प्रक्रिया हो, ज़्यादा लोगों का उसमें शुमार हो, कुछ ऐसा तरीका निकले जिससे भारत की गरिमा बढ़े हैं। तो यही जो है मकसद है बात को कहने का। आपको ऐसा लगता है? यही तो हम भी पूछ रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ। इसीलिए इसका रीज़न ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन ओवर द सिस्टम। ये जो काम है, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, ये काम INB मिनिस्ट्री शुड टेक ओवर इन देयर ओन सिस्टम। INB मिनिस्ट्री शुड अपॉइंट जूरीज, INB मिनिस्ट्री शुड टेक ओवर द एंटायर नॉमिनेशन ऑफ द ऑस्कर। क्योंकि आप जब नेशनल अवार्ड के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं, हम सीरियस हैं, तो ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए क्यों नहीं सीरियस? हमारा सबका मानना यही है। कितने फोन आए हमको, यार इतनी गलतियाँ फिर कर दी इन लोगों ने, तो मजाक हो गया है, इट्स बिकम अ जोक। और ये जो सिनेमा पैराडाइज है, ये सामने आएगा, ये तो एंट्री नहीं लेंगे वहाँ पे, तो सेम टू सेम फिल्में हो, फिर आप कोई भी कारण दीजिए, कुछ भी दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। और वो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि ये फिल्म को भेजना चाहिए था, वो फिल्म को भेजना, हमारे सारी फिल्में एक जैसी हैं, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स एक जैसे हैं, हम एक ही फैमिली के लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री एक ही है। वॉट वी आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट हियर इज द सिस्टम, एंड दिस सिस्टम, द वे दे हैव सिलेक्टेड दिस फिल्म, शुड बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द INB मिनिस्ट्री, एंड अ रिवर्स ऑर्डर शुड बी टेकन, एंड विद इन 7 डेज टाइम a new jury should be constituted and a new film should go to Oscars. Sir, I have a question. Do you think कि जैसे RRR बहुत बड़ी फिल्म है, द कश्मीर फाइल एक बहुत बड़ी फिल्म है, जिसे हॉलीवुड के लोगों ने तक कहा कि हम खुद इसको चाहते हैं कि ऑस्कर मिले, लाइक
इंटरनेशनल जो ऑडियंस है वो पसंद कर रही है आधार को, द कश्मीर फाइल को, तो क्या लगता है जब वहां पे इतनी बड़ी हवा है तो इंडिया में क्यों हमारा मानना है कि हमारे लिए सारी फिल्में एक जैसी है, हर डायरेक्टर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रोड्यूसर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हर फिल्म मेकर इतना इंपॉर्टेंट, हर फिल्म हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। हम बड़ी फिल्म छोटी फिल्म की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लोग क्या किस फिल्म के बारे में सोचते हैं हम उसकी भी बात नहीं करना चाहते हैं, हम ये बात करना चाहते हैं, हमारा मुद्दा खाली एक ही है कि जो सिस्टम आपने अपनाया है ये फिल्म को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज क्वेश्चनेबल एंड दैट शुड बी सॉर्टेड आउट, एज सिंपल एज दैट। मैं ये जानना चाहता हूं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लोग देखेंगे, अगर उनको आपकी बात सही लगती है तो वो क्या करे, किस तरह कहीं वोटिंग करे या क्या करना चाहिए वो जरा सब क्लियर कर दीजिए। नहीं देखिए अभी अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन FFI, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई हैव ट्रेमेंडस कमांड फॉर रिस्पेक्ट फॉर देम, वो इनके हाथ से गोली छूट चुकी है, ये अभी इनके हाथ में आपने तो कर दिया है ना, इसलिए तरीका बेस्ट यही है जो हम बार बार एफएफआई से कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए IMB मिनिस्ट्री शुड टेक ओवर दिस, और ये अवार्ड का सिलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, ये IMB मिनिस्ट्री को ही करना चाहिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में इतना बड़ा डिसीजन नहीं देना चाहिए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ये भारत को रिप्रेजेंट करता है, ये खाली फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑस्कर नॉमिनेशन जो है ये इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनेमा की जो हम बात करते हैं वहां पर हमारी एंट्री करती है, जैसे स्पोर्ट्स में लोग जाते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाकी जो एक्टिविटीज में जब लोग जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा झंडा बड़ा होता है, हमारी छाती फूलती है, उसी तरीके से जिस तरीके से फिल्म जब जाती है बाहर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, सो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी चीज़ हो वो सरकार को करना चाहिए, वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, इट इज एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो टू ओपिनियंस ऑन दिस, देयर इज नो टू ओपिनियंस, और FWIC इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है, हमने लेटर लिखा, हम टाइम मांग रहे हैं अनुराग जी से कि इमीडिएटली हमें टाइम दीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंडस्ट्री इज नॉट रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वी हैव टू टेक दिस डिसीजन एज सून एज पॉसिबल बिफोर द डैमेज इज डन। सर, इज देयर एनी मूवमेंट फ्रॉम द सदर्न बॉडीज ऑफ अ सिमिलर काइंड, वेयर, क्योंकि उनकी अपनी फिल्में भी इसी चीज के जद्दोजहद में होती हैं, क्या साउथ की इंडस्ट्रीज से भी इस तरह का मूवमेंट है? मेरे ख्याल से आप आज हमने शुरू किया तो डेफिनेटली देयर विल बी रिएक्शन, आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दैट, इट्स टू बी बिगनिंग एंड आई एम क्वाइट श्योर बिकॉज़ दे आर मोर एक्टिव देन अस, इसका आज जो हमने शुरुआत की है आप देखिएगा रचना जी, इससे डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट रिएक्टिंग अराउंड, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। सर, जिस तरह से FWIC ने FFI पर और इस फिल्म पर जो सवाल खड़े किए हैं और आपकी डिमांड है कि जो प्राइवेट बॉडी है FFI की, ये ना होते हुए सरकार सरकारी बॉडी हो, सर ऐसा नहीं लगता कि जो सरकारें जब भी रहेगी वहाँ पर कुछ इस तरह की इच्छाएं होंगी कि हमारे लोगों को इस तरह का अवार्ड मिले या हमारे लोगों की फिल्में जाए, ये भी तो सर एक रास्ता नजर आता है ना? नहीं सर, दूसरी चीज सर, एक चीज और जो आपने डिमांड की है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि FFI इंडस्ट्री के लोग और सरकार के लोग ज्वाइंट बॉडी बने जहाँ पर इस तरह की बातें ना हो? सर, IMB मिनिस्ट्री एक इलेक्टेड जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश की चीज़ें सही चीज़ें बाहर रिप्रेजेंट हो, फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है कि वो हमारे लोग तुम्हारे लोग तुम्हारे लोग, अरे जो फिल्में बनती हैं प्रोड्यूसर बनते हैं प्रॉपर बॉडीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, प्रॉपर सिस्टम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि अनुराग जी खड़े होकर बोलेंगे चलो इस पिक्चर को भेज दो, ऐसा तो नहीं होगा ना, इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व होंगे, जूरी भी इंडस्ट्री के लोग ही होंगे, सब कुछ इंडस्ट्री के लोग होंगे, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना तो उसकी सीरियसनेस बहुत बड़ी हो जाती है, साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह जानू कि किसी ने जानबूझ के चोरी की है, किसी ने जानबूझ के गलती की है, फॉपर्स जो होते हैं, जो कैजुअलनेस जो है वो कैजुअलनेस जब गवर्नमेंट आती है बीच में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ी जाती है, और इस चीज़ें पूरे प्रतिक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, मेरा कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब वही है FWIC का। आप लोगों की ओपिनियंस जानना चाहेंगे क्या है इस बारे में लेकर के? भाई हमारी भी ओपिनियन है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है, क्योंकि हमने कंबाइन इस चीज़ को शुरू किया है, हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से सिलेक्शन हो रहा है उसमें चेंजेस हम चाहते हैं, जैसे भी चेंजेस हो गवर्नमेंट करे। आज ऑस्कर की ज्यूरी में नेशनल अवार्ड विनर को ही रखा जाता है, तो हम नेशनल अवार्ड को बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं और उसको गवर्नमेंट
हैंडल करती है, तो इसे भी गवर्नमेंट हैंडल करे ज़्यादा बेटर होगा। और भले ही जैसे उन्होंने बताया कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, एक साल पिक्चर नहीं जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश का नाम बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी फिल्में जाकर के वहाँ से वापस भेज दी जाती हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। उससे अच्छा है कि हमारी फिल्म न जाए, जाए तो प्रॉपर फिल्म जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए जो 100% इंडियन टैलेंट के साथ बनी हैं, इंडियन टेक्नीशियन के साथ बनी हैं, उन फिल्मों को तवज्जो दिया जाए। ऐसा फेडरेशन का मानना है, वही पंडित जी का भी, अशोक पंडित जी का भी मानना है। हम सारे मिलकर के वही काम कर रहे हैं। हमें बहुत सारे टेक्नीशियन जो उसमें जूरी में भी रहे, उनका भी कहना है कि ये जो सिस्टम है थोड़ा ठीक नहीं है और कन्फ्यूज़न है। हम देश को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और इस तरह की फिल्में जो ऑलरेडी एक बार आ चुकी है, जा चुकी है, इस साल हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिसकी तारीफ़ें हुई हैं। लोग, जैसा आप सबने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने तारीफ़ किया है, उन फिल्मों को ज़रूर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश सिर्फ यही है, ना हम FFI के ख़िलाफ़ हैं, ना ही हम किसी और के ख़िलाफ़ हैं, मगर जो सिलेक्शन है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इस फिल्म को रोका जाए, नहीं भेजा जाए तो भी चलेगा, कोई फिल्म इंडिया से न जाए मगर नाम ख़राब ना हो इंडिया का। इंडिया इस समय प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हमारे हैं, हम अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म जाना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म इंडिया बनाती है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई फिल्म नहीं है, हम फॉरेन की फिल्म को लेकर के भेज रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। इसे जल्दी ख़त्म किया जाए, आपके माध्यम से इसको रोका जाए। हम तो आईबी मिनिस्ट्री में सिर्फ यही चाहते हैं कि रोक दी जाए जल्दी से, और ये प्रक्रिया को तुरंत भंग करके नई प्रक्रिया शुरू की जाए, नया सिस्टम शुरू किया जाए। False after false have been happening. But how do we call them false when we have? You did that last year. You sent a wrong film called Gully Boys. You would have not sent it. That's the biggest mistake. You should have not done it. That means you are not capable of selecting films. You are not aware of rules and regulations. That was a major papa. And you created a fool of yourself in the entire world. You made a fool of yourself by sending a wrong film, because the film didn't come on board only because it, when the entire world knows that this is a copy of the film, copy of an English film, how can you ever think of sending this film? Then why did we take so long to come up with the decision, like, the way you are discussing every right now? I think it has become too much now. I think it's going year by year, again and again. They are taking things for granted. So that's why we see the people who are objecting to it are the technicians. That's very important. The producers have not come in forefront. The producer bodies have not come in forefront. It's the technicians, because technicians feel they work very hard in making a good film. And when they realize, because we have felt cheated, this is not the way you should respect the film makers or the film, the way they have made the films. So the lethargyness and the casualness, what we are trying to object. That's why the day, I'm telling you, the day the government, because we keep on dealing with, the day the government takes total control, things will be placed in the right direction. But is it also the way film industries around the world function, where the government picks films for them, or do they also have impartial bodies like FFI who send films for Academy Awards? No, the governments are involved everywhere. Governments are involved FFI everywhere. Also, there is hand in hand, right? Hand in hand, government is helping them by sponsoring them, the producer who selected a film, but the entire system, government is not involved. So we are questioning the government in some sense. The government has to be involved. Government should be involved. There has to be a system. There has to be a chief secretary level or secretary level or some bureaucrat who should be overlooking the entire system in which the process in which you are selecting a film or sending a film. There should be a watch. Only then the things will be correct. Ashok ji, iska matlab ye hai ki saalon se jo ye selection system bana hua hai, usme jo deemak lage hue hain, wo ab tak waise hi chaat rahe hain, usko khatam nahi ho raha hai. एक फिल्म बताइए ना, इनके भेजिए सामने आइए,
मुझे संजय पूरन सिंह चौहान यही बोल के गए तो इज अ नेशनल अवार्ड विनर ऑल्सो, अभी इस साल इसको मिला नेशनल अवार्ड अपनी फिल्म के लिए। जो फिल्में ऊपर तक आई हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुआ वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर ने भेजी है, तो आपके इस बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन यू दैट टिल टुडे व्हाट एवर फिल्म यू हैव सेंट हैज नॉट स्टूड एनीवेयर, सो यू हैव टू सेल्फ एनालाइज कि व्हाट इज द रीजन दैट व्हाट एवर यू आर सेंडिंग इज नॉट इवन कमिंग ऑन बोर्ड एनीवेयर, देयर इज सम लकुना, देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर। We will get an appointment, we will go and explain to them. See, there is no fight with anybody. This is ye jhada nahi hai kisi ke saath. We as a body are responsible. FWICE as a body is responsible to see to it that the system works properly. The system is not casual about sending a film or which represents India for that matter. So you cannot be casual about it. The chairman, how can he say that this film was, the film had come last year also? No, usko ye pata nahi. Because it was not publicly screened, it was not a part of the list of the films that No, I read that. Yeah. You're not trying to understand what I'm saying. अगर पब्लिकली स्क्रीन हो गई होती फिल्म तो फिल्म आ जाती आपके बोर्ड पे? नो, इट्स अ सेंसर, इट्स अ सेंसर विच मैटर्स, सो द फिल्म वॉज सेंसर्ड एंड दैट फिल्म वॉज केपेबल ऑफ कमिंग इन टू द एंट्री लास्ट ईयर ऑल्सो, टाइम टू से यू। सो अगर स्क्रीनिंग ओनली कैनॉट बी द रीजन, स्क्रीनिंग अगर रीजन है इसका मतलब उस फिल्म को सेंसर मिला है एंड दैट्स व्हाई ही हैड अप्लाइड, वो उस पीरियड में अप्लाई जो है उसका पॉसिबिलिटी था, दैट्स व्हाई ही अप्लाइड। तो अगर उस वक्त वो पीरियड में पॉसिबिलिटी थी तो इस साल वो नहीं आ सकती है ना फिल्म, फॉरगेट स्क्रीनिंग। सो द पीरियड इन विच यू मेड द फिल्म एंड यू सेंसर्ड द फिल्म, दैट पर्टिकुलर पीरियड सपोज मार्च टू डिसंबर आपकी फिल्में हैं वही एंट्री ले सकती है, इसमें 13 ही फिल्में हैं ना, देर आर नॉट 100 फिल्म। सो फ्रॉम मार्च टू दैट पर्टिकुलर, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे रिलीज की फिल्मों का ईयर होता है, उस दौरान में अगर वो फिल्म कैपेबल थी उस टाइम तो इस साल तो भी उसको कैपेबल नहीं होना चाहिए था ना, दोनों साल कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ थिंग व्हिच हैज टू बी रेज्ड एंड इंक्वायर्ड अबाउट। How certain producers have independently sent films abroad for the Oscar race, and those films have actually been talked about way more than the entries that we have spent. So, abhi aap jo system propose kar rahe hain ki usme government involved ho puri tarah se, kya usme bhi producers ko independently is tarah ki entries bhejne ka haq hoga? Yeah, yeah, of course. Wo to Oscar ke rules hai na, wo to academy ke rules hai na, wo to academy ke rules hai. Tomorrow if the government प्रपोजेस कि वी हैव ऑल्सो विंडो ओपन, आप अप्लाई करिए उसको, आपने अप्लाई कर दिया एंड यू हैव अ राइट ऑफ सेंडिंग इट, वो तो उनका रूल है, अकेडमी का रूल है कि आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं हमको, दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट चैलेंज ना, वो तो उनका रूल है। सो बोथ थिंग्स विल बी द सेम, रचना, थिंग्स विल बी द सेम, थिंग्स विल नॉट चेंज, बट वेन इट कम्स टू द सी एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड फिल्म डायरेक्टली, ऑर्गेनाइज ये होता क्यों है, अगर गवर्नमेंट की बॉडी होती है तो हम जो स्पेंड नहीं कर सकते हैं मनी, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंस, सो द गवर्नमेंट कैन गिव यू सम इंसेंटिव, क्योंकि फाइन वी विल टेक केयर ऑफ योर पब्लिसिटी, वी विल टेक ऑफ योर पीआर देयर, वी विल आवर फॉरेन एम्बेसीज विल हेल्प यू देयर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर के साथ आ जाती हो एंड इट्स अ वेरी बिग असिस्टेंस, वेरी बिग हेल्प। सी एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड एंड डू देयर पीआर एंड वर्क, जब सरकार आपके साथ खड़ी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फॉरन एम्बेसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपका रहने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच एवरी प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर, रीजनल प्रोड्यूसर कैनॉट अफोर्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी टू इट दैट सिनेमा प्रोड्यूसर्स शुड बी गेटिंग द टोटल गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सच अ बिग इंटरनेशनल इवेंट। जैसा कि अशोक जी ने कहा, तिवारी जी ने कहा कि चयन प्रक्रिया को बदलना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दें और इस फिल्म को रोके और नई फिल्म सिलेक्ट कर ऑस्कर में भेजें। गलत है, इंडियन आर्टिस्ट या इंडियन जो टेक्निकल या क्रूज होते हैं क्या उनको ही ज़्यादातर मौका देना चाहिए, उन्हीं फिल्मों को
ऑस्कर का रूल वही है ना, अगर इंडियन फिल्म है, इंडियन डायरेक्टर है, इंडियन प्रोड्यूसर है, तो हम तो सोचेंगे हमारे लोगों को ही काम मिले और हमारे लोगों की फिल्में ऑस्कर में जाए। ठीक है, थैंक यू। Why like this particular, I mean, this same being coming from very long time, but जैसे कहते हैं जब ही जागे तभी सवेरा, whatever it is, like आप लोगों ने बहुत सालों से सोचा होगा, you know what made you think and come at this point of time? Like? You see, things were going out of hands, and actually the federation, the FWIC members called up, a lot of technicians called up that we should rake up this issue, because this is happening year after year, and we have to put an end to this. So we had a meeting yesterday, Ikeda and everybody, all of us, we had a meeting, FWC had a meeting, and we took a call that let's start reacting to this and let's approach the government bodies and let us talk to them that this is continuing from last so many years, that things are not happening in the right way. So for the respect of cinema, for the respect of our country, because cinema represents the country, you know, so the right way, that it cannot be a casual affair. It's a very serious affair. So it's very important for the government body to get involved, and the government should take over this entire process of selecting a film for Oscars.